बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। आज हम शब्द परिचय पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ में हम दिए गए शब्दों का हिंदी में मतलब जानेंगे। एतत किम, यह क्या है। एतत खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, महिला मजदूर कुदाल चलाती है। तत किम, वह क्या है। तत विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये दो क्या है। एते अंगुलियके स्तः, ये दो अंगूठिया है। सुवर्णकारः अंगुलियके रचयति, सुनार अंगूठिया बनाता है। ते के, वे दो क्या है। ते बसयाने स्तः, वे दो बसे है। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसे कहाँ जाती है। ते रेलस्थानकं गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। एतानि कानि, यह क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल है। किम एतानि पुरानानि, क्या ये पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। तानि कानि, वे क्या है। तानि कदली फलानि सन्ति, वे केले है। किम तानि मधुरानि, क्या वे मीठे है। आम तानि मधुरानि पोषकानि च, हाँ वे मीठे और पोषक है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ जानते हैं। एतत नपुंसकलिंगी, विश्राम गृहम। अत्र भितिकम, खनित्रम। श्रमिका चालयति। एते बसयाने, कुत्र गच्छताः। रेलस्थानकम् अंगुलियके स्तः। सुवर्णकारः एतानि कदलीफलानि। मधुराणि पोषकानि। करवस्त्राणि पुराणानि नूतनानि। एकम क, उच्चारण कुरुत, दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। फलम गृहम, पात्रम पुष्पम, द्वारम विमानम, कमलम पुस्तकम, सूत्रम छत्रम, भवनम जलम। क, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम लिखत, दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। यथा हा, प अधिक अ अधिक र अधिक न अधिक अ अधिक म बरोबर परिणम। एकम ख अधिक अ अधिक न अधिक ई अधिक त अधिक र अधिक अ अधिक म। द्वे प अधिक उ अधिक र अधिक आ अधिक न अधिक आ अधिक न अधिक ई। त्रीणि प अधिक ओ अधिक श अधिक अ अधिक क अधिक आ अधिक न अधिक ई। चत्वारि क अधिक अ अधिक ज्ञ अधिक क अधिक अ अधिक त अधिक अ अधिक म। ख अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदं कुरुत, पिछले प्रश्न में वर्ण विच्छेद दिया था, उनको जोड़कर शब्द बनाने थे। इसमें शब्द दिए हैं, इनका वर्ण विच्छेद करना है। त्रीणि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देखकर इनके नाम संस्कृत में लिखिए। चत्वारि चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। यथा हा किम पतति, फलम पतति। एकम मयूरौ किम कुरुतः, द्वे एते के स्तः। त्रीणि बालिकाः किम कुर्वन्ति, चत्वारि कानि विकसन्ति। प
पंच निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनको कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदल कर लिखिए। यथाः एतत् पतति, बहुवचने एतानि पतन्ति। एकम एते पर्णय स्तः, बहुवचने। द्वे मयूरः नृत्यन्ति, बहुवचने। त्रीणि एतानि यानानि, द्विवचने। चत्वारि छात्रे लिखतः, बहुवचने। पंच नारिकेलं पतति, द्विवचने। उचित पदाने संयोज्य वाक्यानि रचयत। दिए गए शब्दों का सही शब्द से मेल करके वाक्य बनाए। आज का पाठ यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।